हेलो नमस्ते कन हालचाल कैसे चतु दोस्तों, आज की नॉर्मल बातचीत में हम जानेंगे कि विश्व युद्ध पहले की यानी कि वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हुई कैसे और किसने इसकी शुरुआत करवाई और आखिर में परिणाम क्या हुआ और भी बाकी सारी जुड़ी हुई जानकारियां आप इस वीडियो में जान पाएंगे। बहुत से सवाल ये भी आ रहे हैं कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, लेकिन ऐसा क्यों, इस बारे में भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों इस नक्शे के साथ। यह नक्शा 1914 का है जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया हंगरी के साम्राज्य को देख पा रहे होंगे जो कि टूट कर अब कई देशों में बट चुका है और इस पूरे साम्राज्य का राजा उस समय हुआ करता था फ्रांस जोसेफ। यहीं से शुरुआत या कहीं चिंगारी लगी थी पहले विश्व युद्ध की। दरअसल हुआ यूं कि फ्रांस के तीन औलादे थी लेकिन कोई भी राजा बनने के लायक नहीं था, तो फ्रांस के भतीजे आर्चडुक को अगला राजा चुना गया। लेकिन सारी दिक्कत यहीं पे शुरू हुई दोस्तों, क्योंकि इस बात से फ्रांस बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसी वजह से 1900 में यानी 1900 में आर्चड्यूक ने शादी करने का सोचा। जब आर्चड्यूक ने शादी करने का सोचा तो फ्रांस ने कहा, तुम्हारी शादी मॉर्गनेटिक होगी, यानी कि कोई भी शाही दर्जा तुम्हारी पत्नी को नहीं मिलेगा और ना ही कोई शाही परिवार तुम्हारी शादी में आएगा। ऐसे में आर्चड्यूक की जो औलादे होंगी वो भी कभी राजा नहीं बन पाएंगी। अब दोस्तों इसके बाद वो पल आता है अप्रैल 1914, जहां फ्रांस की तबीयत खराब हो जाती है और आर्चड्यूक के राजा बनने की जो घड़ी थी, जो वक्त था, वो नजदीक आता चले जाता है। तो आर्चड्यूक ऑस्ट्रिया हंगरी का दौरा करने निकल पड़ता है क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि राजा बनने से पहले मैं जरा यहाँ का मुआयना कर लूँ। और इन दौरों के सिलसिले में एक दिन आया 1914 28 जून, जब आर्चड्यूक और उसकी बीवी सारा जेवू बोसानिया एंड हर में दौरा करने जा रहे थे। जब वो दौरा करने वाले थे तो आर्चड्यूक के उसके सलाहकारों ने पहले ही उसे इत्तला कर दिया था कि उसकी जान को खतरा है, कई लोग उसकी जान को ख़त्म करने, उसको मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये भी बता दिया था कि उस जगह कई लोग सम्राट से नाखुश हैं, जिन्हें ब्लैक हैंड कहा जाता था। लेकिन आर्चड्यूक ने किसी की बात नहीं मानी और दौरे में शामिल होने चला गया, जहां उसे मिला गार्विलो प्रिंसिप। गार्विलो प्रिंसिप ने आर्चड्यूक और उसकी पत्नी सोफी दोनों को गोली मारकर उन दोनों की हत्या कर दी और यही थी वो गोली जिसके चलने से वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गया। पर दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि गार्विलो सर्बिया से बिलोंग करता था और ऑस्ट्रिया हंगरी की सर्बिया से बिल्कुल नहीं बनती थी और सर्बिया में आर्चड्यूक का असैसिनेशन प्लान हो रहा था पहले से ही। और सर्बिया ब्लैक हैंड को सपोर्ट भी करता था क्योंकि बोस्निया एंड सर्बिया दोनों में ही स्लेविक लोग रहते थे। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों जगह पे सर्ब लोग ज़्यादा आबादी में रहते थे। अब ये तो क्लियर हो गया था कि सर्बिया की वजह से ही ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या कर दी गई, लेकिन फ्रांस इस बात को ईश्वर की अनहोनी बताकर कुछ दिन तक शांत रहा, जहां फ्रांस के सेनापति ने एक सुझाव दिया कि ये एक अच्छा मौका है, इस बात को राजनीतिक तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सर्बिया को अपने कब्जे में करा जा सकता है। तो 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने 10 डिमांड का नोटिस सर्बिया को थमा दिया, जिस पर 8 पर तो वो मंजूरी कर गया लेकिन 2 पे उसने मना कर दिया। मंजूरी ना मिलने पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के उत्तर पश्चिम में हमला कर दिया। अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि पूरी दुनिया इसमें कैसे कूद पड़ी। तो यहाँ से हुआ ये दोस्तों कि सर्बिया और रशिया में सर्ब लोग ज़्यादा रहते थे, तो सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी। ये देखकर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसका कारण था कि ऑस्ट्रिया हंगरी की जर्मनी के साथ अच्छे संबंध थे और इस अच्छे संबंध का कहने का मतलब है ट्रिपल अलायंस जो कि 1882 में करी गई थी। ट्रिपल अलायंस 1882 के तहत ऑस्ट्रिया हंगरी की जर्मनी ने मदद करी और ये देख ऑटोमन जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ हो गया, जिसका कारण था 1911-12 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने ऑटोमन की मदद करी थी और यहाँ अब उसकी बारी थी ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करने की, इसलिए ऑटोमन भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ हो गया। लेकिन इटली से सपोर्ट के लिए कहा गया था तो उसने अपने आप को न्यूट्रल बता दिया। दरअसल जर्मनी इटली ऑस्ट्रेलिया हंगरी में संधि हुई थी एक, जिसे 1882 की संधि कहा जाता है, जिसमें यह था कि अगर तीनों में से किसी पे भी अटैक होता है तो बाकी दो उसकी मदद करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। दरअसल इस केस में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने पहले अटैक किया, उन पर किसी ने अटैक नहीं किया था, इसलिए इटली ने कहा कि संधि के हिसाब से मैं अगर आपकी मदद ना भी करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। तो इसके बाद हुआ ये, जर्मनी और रशिया ने फ्रांस से अपना स्टैंड लेने को बताया कि तुम भाई किसके साथ हो, तो फ्रांस ने भी कहा कि मैं भी अभी न्यूट्रल हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। अब ये जानकर जर्मनी ने सोचा कि अभी तो ये किसी के साथ नहीं है,
लेकिन अगर बाद में जाके ये रशिया के साथ हो गया तो जर्मनी को दिक्कत हो जाएगी। इस कन्फ्यूजन में क्या हुआ कि जर्मनी ने एक दिक्कत कर दी। उसे लगा कि वो बाद में आके फंस जाएगा, क्योंकि वो ये भी जानता था कि ट्रिपल एंटेट 1907 में एक संधि हुई थी फ्रांस और रशिया के बीच, तो कल को फ्रांस रशिया के साथ हो सकता है। तो जर्मनी ने क्या किया, सेफ साइड के लिए फ्रांस पे पहले ही अटैक कर दिया, या कहो कि अटैक करने की तैयारी कर दी। जिसके डिफेंस में फ्रांस ने क्या किया, 10,00,000 सैनिक अपने बॉर्डर पे लगा दिए, अपने एरिया को पूरा आर्मी से सिक्योर्ड कर दिया। और ये सब हुआ कब, 3 अगस्त 1914 में। तो ऐसे में क्या हुआ, जब फौज उसके बाउंड्री पे लग गई थी तो जर्मनी ने बेल्जियम से रास्ता मांगा कि हमें तुम जाने दो और हम यहाँ से अटैक करेंगे फ्रांस पे। जिस पर बेल्जियम ने ये सोचा कि अगर 4,00,000 की आर्मी मेरे एरिया से जाएगी तो बहुत दिक्कत हो सकती है, और कल को अगर ये फ्रांस को जीत गया तो हमें भी जीत सकता है। तो उसने क्या किया, अपनी 1,00,000 की आर्मी बेल्जियम बॉर्डर पर लगा दी जर्मनी के खिलाफ। तो अब यहाँ से बेल्जियम भी जर्मनी के लिए बंद हो चुका था। और इसके बाद हुआ ये, जर्मनी ने अपनी फोर्स लगानी शुरू करी और उसके बाद जर्मनी का जीतना शुरू हो गया था। जर्मनी ने धीरे धीरे करके फ्रांस की भी बाउंड्री तोड़ी, बेल्जियम की भी बाउंड्री एक्सटेंड करी। फ्रांस ने अपनी ट्रिपल अलायंस के तहत जब उसे लगा कि जर्मनी भारी पड़ रहा है, यूके से मदद मांगी। यूके ने मना कर दिया, क्योंकि यूके ने कहा, पहली चीज़ ये तुम्हारा आपस का मैटर है, दूसरी चीज़ जो यूके का प्राइम मिनिस्टर था और जर्मनी का जो किंग था वो आपस में कज़न ब्रदर्स थे, तो यूके नहीं चाहता था कि मैं डायरेक्टली जर्मनी पे कोई भी हमला करूं। लेकिन यहाँ पे एक कमाल की बात ये है, यूके ने बेल्जियम के साथ एक अलायंस करी थी जिसे ट्रीटी ऑफ लंडन 1839 कहा जाता है। तो उसके तहत यूके ने बेल्जियम की मदद कर दी। तो ऐसे में हुआ ये, 8 अगस्त 1914 को यूके ने बेल्जियम को सपोर्ट किया और जर्मनी यूके के आते ही हारना शुरू हो गया, और जर्मनी का जीता हुआ जो भी एरिया था वो कम होने लगा उसके बाद। अब एक बात जो जानने वाली है दोस्तों, कि जर्मनी की नेवी बहुत मजबूत थी, ये बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, और उसके पास पनडुब्बियाँ बहुत ज़्यादा एडवांस थी, और उसने अपने सबमरीन्स वॉर में उतार दी सारी की सारी। फरवरी 1915 को ये सब हुआ, जिससे जर्मनी को वापस से जीत मिलनी शुरू हो गई। और अब यहाँ से यूके ने मदद मांगी यूएस से, जहाँ यूएस ने साफ साफ मना कर दिया कि देखो ये तो तुम लोगों का यूरोप का आपस का मैटर है, इसमें हम नहीं पड़ेंगे। दरअसल फ्रांस के रास्ते यूएस अपने वेपन्स भी लेके आ रहा था, तो यूएस को काफ़ी डॉलर्स वैसे ही मिल रहे थे और उसकी इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, तो बेवजह वॉर में जाना बेवकूफ़ी लगी, जिससे जर्मनी को काफ़ी राहत मिली। उसे ये लगा कि चलो यूएस तो नहीं आ रहा है। लेकिन एक गलती जो जर्मनी से हो गई वो ये थी, उसके नेवी फोर्स द्वारा एक पानी के पैसेंजर जहाज पर हमला हो गया जिसमें 128 अमेरिकी थे और वो मारे गए। ये घटना हुई थी 7 मई 1915 में। इस गलती को देखते ही जर्मनी ने तुरंत यूएस से माफ़ी मांग ली, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा कारण यूएस को मिले और वो जंग में कूद पड़े। उसके बाद जर्मनी को हार का सामना करना पड़ सकता था। यूएसए ने जब माफीनामा पढ़ा, जिसे पढ़कर अमेरिका शांत रहा, तो इसके बाद जर्मनी ने आने वाले हर शिप को चेक किया। हर शिप को चेक करते थे कि उसमें अमेरिकी है कि नहीं, फिर जाके उस पर अटैक करते थे। तो ऐसे में बहुत वक्त उसका जाने लगा, जिसका फ़ायदा फ्रांस और यूके उठा रही थी। वो ऐसे पैसेंजर जहाज़ों में जाकर छुप जाते थे, और एक बार फिर से ऐसा करते जर्मनी की हार शुरू होने लगी। अब इस बात को संभालने के लिए जर्मनी ने कुछ रणनीति अपनाई। उसने क्या किया, उसके एरिया में ही टेंशन पैदा करने की कोशिश करी। तो खुफिया तरह से मेक्सिको में एक मैसेज भिजवाया गया, ये कह के कि मेक्सिको आप अटैक करें यूएस पे और अपना पुराना जो कब्जाया हुआ हिस्सा है उसे वापस लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, पीछे से फोर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। इस खुफिया जानकारी को बीच में ही यूके ने पता लगा लिया और पूरा माजरा जाके बता दिया यूएसए को। ये जानकर अमरीका ने जर्मनी की ओर अपनी सारी आर्मी लगा दी, क्योंकि जिसे वो दोस्त समझ रहा था वो दरअसल उसी के पीठ पे छुरा भोंक रहा था, क्योंकि यूएस का ट्रेड बहुत बड़ा था, तो उसके साथ कई और देश भी सपोर्ट में आए। और इसके बाद दोस्तों, जैसे ही यूएस लड़ाई में कूदा अपनी पूरी पावर के साथ, तो 11 बजे सुबह जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा, और इसके बाद सारे युद्ध खत्म हो गए। और इसके बाद मार्च 1918 रूस जर्मनी में शांति समझौता हुआ। इस वॉर के बाद कई देश बन गए दोस्तों, ये वॉर यूएसए के आने के बाद खत्म हो गई। ऑस्ट्रिया हंगरी भी टूटकर कई देशों में बट गए, ऑस्ट्रिया हंगरी चेकोस्लोवाकिया रोमानिया और कई देश बन गए। ऑटोमन भी टूट गया, वो बन गया टर्की ग्रीस अर्मेनिया इटली सीरिया और इराक। पोलैंड भी आज़ाद हो गया, रशिया टूटकर बन गया यूएसएसआर। तो ये तो वो कहानी थी जो शुरू हुई एक गोली के चलने से, और
एक गोली जो नहीं चली जिसके वजह से शुरू हुई वर्ल्ड वॉर टू। दरअसल हुआ यूं, यूके और जर्मनी की जंग में एक घायल जर्मन सिपाही एक ब्रिटिश सिपाही के सामने आ जाता है जिसे वो घायल समझकर गोली नहीं चलाता। और दोस्तों वो घायल सिपाही कौन होता है? अडॉल्फ हिटलर, जिसकी वजह से शुरू होती है वर्ल्ड वॉर टू। इस वीडियो का कंक्लूजन दोस्तों ये, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था और इसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा सिविलियन मारे गए थे, 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे और 5,500 सिपाही प्रतिदिन मारे जाते थे। और जो भारत से रिलेटेड एक बात यह है कि तकरीबन 12 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस इस लड़ाई में यूके की तरफ से शामिल हुए थे। तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि माजरा छोटा सा था, एक जगह गोली चल गई जिसकी वजह से कई देश आके उस मैटर को सुलझाने में लग गए। और दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कि विश्व युद्ध तीसरे की शुरुआत, तो वो इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के समय भी मुद्दा छोटा था काफ़ी, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी भी मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। सभी अपने अपने प्रॉफिट्स के लिए किस तरह से उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इसी वजह से लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा है कि कहीं ये विश्व युद्ध तीसरे की ओर तो नहीं जा रहे हम लोग। तो आज की नॉर्मल बातचीत आपको कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और अगर कोई आपका नॉन पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो उसको शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी पुरानी वीडियो। धन्यवाद।